गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ का व्लॉग। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हुई रात की मेहंदी से, जो कि मैंने खुद लगाई थी। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला लगाने जाने का, तो मैंने खुद ही लगाई और काफ़ी अच्छी लग गई थी। फिर नेक्स्ट डे उठ के मैंने सारे काम निपटाए, देन नहा धो के अच्छे से रेडी हुई। और इस बार मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर ट्राई किया था। और नॉर्मल टाइम हम लोग सुबह रेड ही पहनते हैं, बट इस बार मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट कलर ट्राई करते हैं। और यहाँ पे मेरी मेहंदी लग के बहुत प्यारी लग रही थी। देन उसके बाद मैंने पूजा के लिए चौकर लगाई, जहाँ पे प्रीशा मैडम मेरी हेल्प कर रही थी। करने के लिए तो हेल्प बैठी थी, बट मुझे बहुत परेशान कर रही थी। चलो मैं आप लोगों को भी इसकी बातें सुनाती हूँ, ये मुझे क्या क्या बोलने में लगी हुई थी बैठ के। ऐसे ही बैठ रहे ना, किसी चीज को छेड़ना मत, ठीक है? और यहाँ पे मेरी पूजा की चौकर लग चुकी थी। देन उसके बाद मैंने उस पर जो जो सामान रखना था सब रख लिया था। कुछ कुछ रह रहा तो बीच बीच में रख रही थी लाके। और जो पूजा का दिया होता है वो तभी जलता है जब हम लोग कथा सुनने जाते हैं, तो मैंने फिलहाल नहीं जलाया था, वो मैंने दिन में ही जलाया था। देन पूजा की चौकर लगाने के बाद मैंने प्रसाद की तैयारी करी, उसमें मीठे गुलगुले बनाए। ये सब भी नहीं बनाते हैं, कोई कोई जो फर्स्ट करवा चौथ में करता है वही सब में करते हैं। तो मैंने अपने फर्स्ट करवा चौथ में मीठे गुलगुले बनाए थे, तो इसीलिए मैं सब पे बनाती हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था, क्योंकि वो भी बनाती थी तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने भी बनाने शुरू किए। वरना काफ़ी लोग ये नहीं बनाते हैं, और सबके इनको कुछ 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 अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, हम लोग मीठे गुलगुले बोलते हैं। प्रसाद के मीठे गुलगुले बनकर रेडी हो चुके थे, और उतने में ही भाभी का फ़ोन आ गया था, जो हमारी नेबर थी। उन्होंने बोला कि जल्दी से पूजा के लिए रेडी हो जाओ, मैं भी आ रही हूँ ऑफिस से। तो मैं रूम में चली गई रेडी होने के लिए, और जल्दी से तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा टाइम तो लगता ही है रेडी होने में। तो फिर मैं फटाफट से रेडी हुई, और यहाँ पे मैंने अपनी गढ़वाली ज्वेलरी बनी, काफ़ी अच्छी लगती है। और ऊपर से साल में एक त्यौहार ऐसा होता है जो हम अपने हस्बैंड के लिए अच्छे से रेडी होकर बनाते हैं, तो उसमें अच्छा भी लगता है सब कुछ पहनना। तो मैं अच्छे से रेडी होकर फिर भाभी और के घर गई, तब हम लोगों ने वहाँ पे पूजा करी पहले, देन उसके बाद फिर सारी भाभियाँ मिल गई, कीर्तन करी थी। मुझे मेरी मांग सिंदूर से भरी रही, मैं करवा पूजन करूँ तन मन से, मेरी मांग हमेशा भरी। सो भाभी और के घर से आने के बाद मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा खाना वगैरह बना के निपटा देते हैं, फिर फ्री टाइम रहेगा तो फोटो वगैरह क्लिक कर लेंगे हस्बैंड के साथ। तो मैंने फटाफट से खाना बना के निपटाया, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड नहीं मानते हैं, बट फिर भी फास्ट था तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से मतलब बना लूँ आज दो तीन चीज़ें। सो मैंने बनाए छोले और आलू गोभी की सब्ज़ी, बट हमारे आज के दिन मतलब फास्ट वाले दिन प्याज लहसुन नहीं डलता है, तो मैंने बिना प्याज लहसुन के ही सब चीज़ें बनाई। और यहाँ एक साइड मेरे छोले बनकर बिल्कुल रेडी थे, एंड यहाँ पे दूसरे साइड में बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ खाना बनाने के लिए बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, तो मैंने सोचा अब चलो थोड़ा फोटोज़ और वीडियोज़ ही हो जाए, तो मैं वही बनाने लग गई थी। वीडियो बनाकर जैसे ही फ्री हुए तो चांद भी जल्दी आ गए थे, और इस बार चांद ऑन टाइम था। तो फिर मैं फटाफट छत में पूजा करने गई, और मैंने वहाँ पे चांद की पूजा करी, देन अपने पति की पूजा करी।
पूजा करने के बाद नीचे आके मैंने मम्मी को सुहाग का सामान दिया, जो करवा चौथ वाले दिन अपनी सास को दिया जाता है सुहाग का सामान, देन उनका आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, तब मैंने व्लॉगिंग नहीं करी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, और फिर उसके बाद मैंने व्लॉगिंग यहीं पर एंड कर दी। तो होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो गाइज। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart, in my heart.